में बात करो, इसमें कहां से बिजली का बिल? फोन किस पर चलता है? बैटरी पर चलता है पापा। और बैटरी किस पर चलती है? बैटरी नहीं देख रहा था वो। एक्चुअली ना मुझे भी आप जैसा वो यूट्यूबर बनना है। सी नो मोर। यूट्यूबर्स का लिस्ट है, इनको गाली दे और क्रिटिसाइज कर। बट ये इनके सब्सक्राइबर्स तो मिलियंस में हैं, इसीलिए तो तभी तो वोक बनेगा माय बॉय। लर्निंग इज लर्निंग। अच्छा वो कैसे? इसमें से कोई 4-5 मिलियन वाला यूट्यूबर निकाल, गाली दे के क्रिटिसाइज कर। ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान के भी एक वीडियो निकाल। अरे थैंक यू बबलू। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये तो फनी है। नहीं है बबलू, कैसा टेस्ट है भाई इसका? बट इधर मतलब 6 मिलियन लोगों को पसंद आते हैं इसके वीडियोस। तुझे फनी नहीं लगना चाहिए। देख दूसरों को अनफनी बोलोगे तभी तो तुम फनी लगोगे। अरे 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 वो कैसे बोल। अरे छोटे भाई ट्रिगर्ड फिगर्ड साला, जिसको ये रोस्ट करता है ना वो भी ऑफेंड नहीं होते इसके रोस्ट से। Isn't that how a roast is supposed to be? मतलब सामने वाले का रोस्ट भी हो जाए, क्रिटिसाइज भी हो जाए, उसको बुरा भी ना लगे। हा हा हा। Disgusting. छोड़ बे तू क्या बनेगा? अरे भाई बैठो बैठो, मैं कैरी जैसा कुछ करूंगा। कैरी जैसा कुछ करता हूँ मतलब लोग ऑफेंड हो जाएंगे उससे। हाँ कैरी जैसा कुछ। अबे कैरी, कैरी इतनी गाली देता है ना कि जितनी गाली बनी भी नहीं। लेकिन आप भी तो आपके वीडियोस में गालियाँ देते हो। ए बोंगिया देख, अगर मैं गाली नहीं दूंगा तो लोगों को क्रिटिसाइज कैसे करूंगा? बट ये तो वोक नहीं होता है। हमारे पे वोक ऐसे ही होता है। देख अभी उसके वीडियो पर जाके मेरे फैंस गाली देंगे, फिर मेरे वीडियो पर आके उसके फैंस गाली देंगे, फिर उसके फैंस को मैं टॉक्सिक बोल दूंगा जबकि मेरे खुद के टॉक्सिक है। This is business. छोड़ रहे कैरी क्रिंज है। What? लेकिन अब वो 2.5 करोड़ लोग को तो नहीं लगते क्रिंज उसके वीडियोस। कहाँ उसके 2.5 करोड़, हाँ और कहाँ मैं? ये दोनों को छोड़ो, थगेश जैसा कुछ करता हूँ। इससे तो साला 1 मिनट क्राफ्ट देख लो। आई मीन वो नॉर्मी को देखता कौन है? व्हाई डू पीपल इवन वाचिंग? अरे लोग बकता तो कशाला तला। आई मीन यंग का बोतो जी जनकल आई दाइक जीत ऊपर। आई मीन हैव यू सीन हिज ह्यूमर? ये देख ऊपर आते हो। हां 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 सो फनी। वे क्रिंज सो तो चाइचा घो बबलू खेल रहा है इधर। लेकिन जब आपका उससे कोई पर्सनल इशू नहीं है तो आप इशू क्यों बना रहे हो? Hey, पर्सनल इशू बना के ई लफड़ा करूंगा तभी तो सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। ई लफड़ा? अरे छोड़ो, मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ। व्लॉगिंग करके लोगों को अपने दिन के अच्छे पार्ट बताऊंगा। व्लॉगिंग करेगा? व्लॉगिंग निखिल बनेगा? अरे यू नो आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली। शट अप ब्रो, शट अप। ए बबलू निखिल बनेगा? ए भाई निखिल निखिल बनेगा? ए दोस्त तू निखिल बनेगा बोल रहे? निखिल बनेगा बोल रहे? ए इधर बोले 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 निखिल बन रहे? निखिल बन रहे? निखिल बनेगा?
सबको निखिल बन, निखिल बनो, फेक पॉजिटिविटी फैलाओ, ये बस करो तुम लोग। आई थिंक इट्स पॉजिटिविटी। हाँ टेट्स नेगेटिविटी, बट किसको देखनी है। हाँ लेकिन बट स्टिल यू शुडंट फेक प्रॉफिट। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी वही यार। तो घर पे जो झगड़े होते हैं वो भी वीडियो में डाल दो क्या? यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। लिसन टू मी। YouTube इंडिया में मार्केट इज वेरी सैचुरेटेड। पीपल डोंट वॉन्ट टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट, दे जस्ट वॉन्ट टू सी द सेम टाइप ऑफ थिंग अगेन एंड अगेन। आई मीन डूड, दिस कुछ वैरायटी लाओ कंटेंट में, कुछ एक्सपेरिमेंट करो। बट नो नो, तुम लोग को वही करने का। इससे मैंने दो ही लफड़े किए, सब्सक्राइबर्स नहीं आए क्या है? तो नया अलाउड कंटेंट फॉरेन का कॉन्सेप्ट उठा के ये लोग ने कमेंट्री चालू किया। आई मीन आप भी तो कमेंट्री ही करते हो ना। हाँ, मैं कमेंट्री करता हूँ, लेकिन मैं उनकी कमेंट्री करता हूँ जो कमेंट्री करते हैं। दोनों अलग है। सैंडविच सी, आप बोलते हो कि गाली देके क्रिटिसाइज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्हाट आई फील कि जब आप किसी को गाली देते हो तो सिर्फ आप नहीं देते, आपके साथ आपके फैंस भी उसको जाके गाली देते, एंड आई थिंक इससे हेट तो नहीं फैलता होगा, राइट? एंड बट नहीं, यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हो एंड आप सही हो, बट अगेन अगर आप किसी की माँ बहन करके अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हो तो आप में और भाव में क्या फ़र्क है? एंड यू ऑल्सो से कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, बट येट आप किसी बड़े क्रिएटर को अनफनी बोल के फनी बनते हो। तो पारी, तकलीफ क्या है? अगर मिलियंस में लोग उसकी वीडियोस देख के पसंद कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या? मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भाई बहन के वीडियोस बना रहा है एंड लोगों को वो पसंद है, या फिर कोई एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोस बना रहा है, तो आप भी तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए मल्टीपल वीडियोस बना रहे हो ना। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हर चीज की एक ऑडियंस होती है। आपको तो हर कोई क्रिंजी लगता है। अगर वो क्रिएटर होना आप जैसा होना होता है ना, तो मुझे वो नहीं बनना। संदीप महेश्वरी बन, चल तेरे को बुक बना। या फिर कोई एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोस बना रहा है तो आप भी तो उसको क्रिटिसाइज कर। अभी तो तू स्मार्ट है, आई एग्री, लेकिन जब तेरे 1 मिलियन हो जाएंगे तब तू क्रिंज हो जाएगा। और हम तो लोगों को ऐसे ही बोलते रहे कि क्रिटिसिज्म हैंडल करना सीखो। और ये जो भी ज्ञान देके तूने मेरे को क्रिटिसाइज किया है ना, वही ज्ञान से मैं तुझे क्रिटिसाइज करूंगा और वोक बनूंगा। इट्स बिग ब्रेन टाइम बेबी। Yeah, boy.